नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो की तरफ से की गई निंदनीय और अभद्र टिप्पणी के खिलाफ भाजपा शनिवार को देशव्यापी धरना प्रदर्शन करेगी। भुट्टो पर कड़ा प्रहार करते हुए भाजपा ने कहा कि पड़ोसी देश के विदेश मंत्री की इस हरकत ने विश्व पटल पर पाकिस्तान की कलंक गाथा में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। पूर्व सीएम उमा भारती शुक्रवार शाम मध्य प्रदेश के सिहाड़े पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने प्राचीन गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की और मीडिया से चर्चा करते हुए पठान फिल्म के विरोध पर कहा कि शाहरुख खान की पठान फिल्म मैंने देखा नहीं मगर सुना है, इसका विरोध हो रहा है और अगर विरोधी काबिले गौर हैं तो करना चाहिए। उमा भारती ने बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, नीतीश हमारे साथ थे तो अच्छा काम कर रहे थे, अब नीतीश को सोचना चाहिए कि वहां शासन की जगह कुशासन कैसे हो गया। ट्विटर ने भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर हैंडल कू एमिनेंस को शुक्रवार को सस्पेंड कर दिया गया था। इससे पहले एलन मस्क ने दुनिया भर के कई आलोचकों पत्रकारों के ट्विटर से बाहर कर दिया था। कू के सह-संस्थापक मयंक विदावता ने ट्विटर के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक जारी है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों या उनके प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद है। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसएफ की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसके बाद सीएम ममता और बीएसएफ अधिकारियों के बीच बहस भी हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर चीन विवाद को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। शनिवार को खड़गे ने अखबारों की कटिंग को ट्वीट करते हुए लिखा, डोकलाम से लेकर जमेफेरी रीस तक चीन अपना निर्माण करने में लगा हुआ है। यह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरे में डाल रहा है, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को प्रवेश द्वार है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब भी दर्जन लोगों को विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शनिवार को छपरा पहुंचे और मौत के शिकार हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। चिराग ने कहा कि छपरा में लोगों की मौत नहीं हुई है, बल्कि जहर पिलाकर उनकी हत्या की गई है और इसके साथ शराब माफिया के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी केस दर्ज होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा 18 दिसंबर को है। मेघालय के शिलोंग में यह कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल और सभी 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसे शख्स को पकड़ा गया है जो डिफेंस की खुफिया जानकारी आईएसआई को दे रहा था। जिले के कटरा राष्ट्रीय कार्यालय में कार्यरत लिपिक रवि चौरसिया को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रवि आईएसआई की एक महिला हैंडलर को संवेदनशील गोपनीय सूचनाएं और दस्तावेज सोशल मीडिया के माध्यम से भेजता था। कटरा थानेदार ललित कुमार के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी मुंगेर जिला के नया गाँव जमालपुर का है। अमेरिका ने शुक्रवार को यूक्रेन संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैंड का स्वागत किया, जो कूटनीति के रास्ते पर चलने का आह्वान करता है। विदेश विभाग के प्रधान उपप्रवक्ता वेदांत ने कहा कि हम पीएम मोदी के शब्दों को समझते हैं और जैसा उन्होंने कहा कि वैसा होगा तो हम उनकी टिप्पणियों को स्वागत भी करेंगे। रूस के साथ जुड़ाव को लेकर फैसला अन्य देशों को खुद से करना है। हम युद्ध की संभावनाओं को कम करने की अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। पटेल ने टिप्पणी रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत की स्थिति को लेकर की। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की एक शिकायत के आधार पर मेहुल चौकसी के खिलाफ 3 और एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि चौकसी और अन्य आरोपियों पर विभिन्न बैंक संघों से 6,747.97 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। देश भर में दूध के दाम में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे देश में थोक दाम की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे दूध सप्लाई करने वाली कंपनी दूध के दाम को बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि पिछले महीने नवंबर में ही दूध कंपनियां ने 4 बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। ऐसे में साल के अंत तक एक और बढ़ोतरी से आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। बीते दिन रेलवे भर्ती सेल ने एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक वेस्ट सेंट्रल रेलवे में बंपर पद पर भर्तियां निकाली गई है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट irooms.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने के उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है।
केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2024 के अंत से पहले भारत की सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के मानकों के बराबर का हो जाएगा। यह बात उन्होंने 16 दिसंबर को 95 फिक्की एनुअल कन्वेंशन के दौरान कही। गडकरी के इस दावे से जुड़ी खबर जब समाचार एजेंसी ANI ने ट्विटर पर साझा की तो वहां सोशल मीडिया यूजर्स इस पर रिएक्ट करने लगे। ढेर सारे लोगों ने उन्हें इस दौरान हिंदुस्तानी सड़कों की जमीनी हकीकत से तस्वीरों और हाल बताकर रूबरू कराया। सिर्फ उद्योगपति साइरस मिस्त्री के कार हादसे में निधन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उनकी मर्सिडीज बेंच कार सितंबर में महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक पुल पर हादसे की शिकार हो गई थी। उस वक्त कार डॉक्टर अनाहिता पंडोले चला रही थी वहां, और उनके पति डेरिस पंडोले गंभीर रूप से घायल हुए थे, जबकि साइरस मिस्त्री और एक अन्य की मौत हो गई थी। भारतीय नौसेना के तर्कस में अब तक और अति आधुनिक और स्वदेशी तीर जुड़ने जा रहा है, जो भारत के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है INS मर्मुगाव। INS मर्मुगाव भारत का सबसे आधुनिक युद्ध पोत में से एक है, जिसमें तकरीबन 75% उपकरण और हथियार भारत में बने हैं। मुंबई के मझगांव डॉक पर बने INS मर्मुगाव में अनगिनत खूबियां हैं। इस युद्ध पोत को आधुनिक युद्ध के लिए बनाया गया है। यह युद्ध पोत भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों के बेड़े में सबसे सक्षम और आधुनिक हथियारों से लैस है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को राजस्थान से अपने दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई पदयात्रा ने 17 दिसंबर को राजस्थान चरण के 12वें दिन अपने 100 दिन पूरे कर लिए। यात्रा ने 8 राज्यों और 2763 किलोमीटर को कवर किया है। चीन में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस के आने के बाद साल के बाद एक बार फिर चीन में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में कोविड मामलों में अधिक वृद्धि का सामना करना पड़ा है। बता दें कि बीजिंग के सद्दा गृह पर शनिवार को अंतिम संस्कार के लिए मारामारी जैसी स्थिति पैदा हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि गलवान घाटी संघर्ष और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हालिया गतिरोध के दौरान भारतीय सैनिकों ने जो बहादुरी और साहस का प्रदर्शन किया वह सराहनीय है, और इसके लिए उनकी जितने भी प्रशंसा की जाए कम है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ में अपने संबोधन में राजनाथ ने चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने की सरकार की रणनीति पर संदेह करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। केंद्र सरकार देश के हर वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती है। ऐसी ही एक स्कीम का नाम है ई श्रम कार्ड स्कीम, जैसे खासतौर पर देश के मजदूर वर्ग के लिए बनाया है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको PM सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। अगर किसी हादसे में कामगार की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं अगर व्यक्ति के विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। दिल्ली पुलिस और CBI ने तकनीकी सहयोग मुहैया कराने के बहाने 10 साल में हजारों अमेरिकियों विशेषकर बुजुर्गों को ठगने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करने में अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो की मदद की है। CBI और दिल्ली पुलिस ने इस सप्ताह नई दिल्ली के हर्षद मैदान और फरीदाबाद निवासी विकास गुप्ता को गिरफ्तार किया। दिल्ली निवासी तीसरा आरोपी गगन लांबा अभी फरार है। जगन का भाई जतन लांबा भी पुलिस की हिरासत में है। इन सभी पर दूरसंचार या इंटरनेट सेवा और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी करने का आरोप है। एलन मस्क ने न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और वाशिंगटन पोस्ट के आधा दर्जन से अधिक प्रमुख पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट्स को निलंबित कर दिया था। इसके बाद यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने मस्क के इस कदम के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए उनको चेतावनी दी थी। यूरोपीय संघ ने कहा कि ट्विटर पर पत्रकारों को अकाउंट को मनमाने ढंग से निलंबन के बारे में खबर चिंताजनक है। प्रभावशाली मंच को यूरोपीय कानूनों के माध्यम से भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। एलन मस्क को इसके बारे में पता होना चाहिए। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर की थ्रिलर फिल्म गोविंदा नाम मेरा शुक्रवार को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। फिल्म गोविंदा नाम मेरा में जिस पार्ट ने फैंस को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है वो है एक्टर रणवीर कपूर का स्पेशल कैमियो। एक्टर रणवीर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ एक गाने बिजली में दिखाई दिए हैं। फैंस रणवीर कपूर के कैमियो को सोशल मीडिया पर काफी शेयर भी कर रहे हैं। GST काउंसिल की आज हुई बैठक में कई बड़े फैसले हुए और इससे आम आदमी को राहत मिली है। वित्त मंत्री ने कहा आज की GST परिषद की बैठक में किसी भी वस्तु पर कोई कर वृद्धि नहीं की गई है। इस बैठक में पान मसाला और गुटखा उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने को लेकर कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में 12 दिसंबर को हाईकोर्ट ने देशमुख को जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश के अमल पर 10 दिन की रोक लगाते हुए CBI को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने का मौका दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सर्दी की छुट्टियों के मद्देनजर CBI की याचिका पर फिलहाल सुनवाई की उम्मीद कम है।
भारत चीन के साथ चल रहे विवाद पर सीडीएस जनरल अलीन चौहान ने कहा कि देश को सबसे बड़ा खतरा चीन की सीमा पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लिपुलेख बड़ा होती और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन के साथ विवाद है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बॉर्डर टूरिज्म का कल्चर बढ़ाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी सरहदों को देखने की हर किसी की चाहत होती है, इसलिए बॉर्डर टूरिज्म के कल्चर को बढ़ाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्ट कर्मियों पर नकेल कसने को लेकर बड़ा रास्ता सुझाया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी लोक सेवक ने भ्रष्टाचार किया है लेकिन उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है तो परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश के बाद भ्रष्ट सरकारी कर्मियों को उनकी सही जगह पहुंचाना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को पूर्वोत्तर के दो राज्यों के दौर पर जाएंगे। पीएम मोदी चुनावी राज्य त्रिपुरा और मेघालय की यात्रा करेंगे, जहां वह 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे एवं उनका शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि इन परियोजनाओं में आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया भर की सबसे तेजी बढ़ती हुई समस्याओं में से एक है। जहां एक ओर ग्लेशियर पिघलकर समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक एसिड रेन की बात कर रहे हैं। जानकार माने तो आज से समय में शुद्ध वर्षा भी नहीं हो रही है। वर्षा के जल में प्लास्टिक होने की बात बताई जा रही है पूरी दुनिया में, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसी हफ्ते छपी स्टडी के मुताबिक ये माइक्रो प्लास्टिक है जो नंगी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन जिन्हें इकट्ठा किया जाए तो प्लास्टिक का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने आज तीसरे दृष्टिबाधित T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 120 रन से हराकर यह खिताब जीतने की हैट्रिक पूरी कर ली। मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजे गए सुनील ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरा शतक जड़ते हुए 63 गेंदों पर 24 चौकों और एक छक्के की मदद से 136 रन बनाए, जबकि कप्तान अजय ने 50 गेंदों पर 18 चौकों की बदौलत 100 रन की पारी खेली। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा राजनेता कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।